तं च हव्यं च सर्वं यश्चारिष्टति स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्वेद के एक सूक्ति उत्क्रामतः पुरुष माव पत्थः, हे पुरुष अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ, आगे बढ़, नीचे मत गिर। वेद मानव को प्रगतिशील बनाता है, वेद हमें आगे बढ़ने और उन्नति करने का संदेश देता है। प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ना, इसी में तो जीवन की सार्थकता है। आगे बढ़ने वाले ही तो विजय, ऐश्वर्य और आनंद को प्राप्त करते हैं। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिली। महात्मा ने कहा आगे बढ़ो। दूसरे दिन लकड़हारा आगे बढ़ा, उसे चंदन के वृक्ष मिले। वह चंदन की लकड़ियां काट लाया, उस दिन उसे बहुत अधिक पैसे मिले। रात्रि में उसने सोचा, महात्मा जी ने कहा था आगे बढ़ो। दूसरे दिन वह और आगे बढ़ा, उस दिन उसे तांबे की खान मिली। फिर वह और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिली। और आगे बढ़ने पर उसे स्वर्ण और फिर हीरे जवाहरात के ढेर मिले। लकड़हारे के दिन फिर गए। इस दृष्टांत से आप भी शिक्षा लें, मानव जीवन एक यात्रा है, इसे काटेदार झाड़ और झंकार हैं, ऊंची नीची और पथरीली भूमियां हैं, प्रबल वेग से बहती हुई नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। दूसरी ओर मधुर एवं मृदु सुगंध से सुगंधित यह पुष्पों से परिपूर्ण उद्यान भी है। कल कल छल छल कर बहती हुई नदियाँ भी हैं, मन को आकर्षित करने वाला संगीत भी है, आनंद प्रकाश यश कीर्ति प्रतिष्ठा और समृद्धि भी है। आप कंटका किर्ण झाड़ों को, नदियों और पर्वतों को रोनते हुए सत्य यश कीर्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए आगे आगे ही बढ़ते चलो। सदा याद रखो, इस पथ का उद्देश्य नहीं है, शांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। यदि हम संसार के महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालें तो उनके जीवन को हम कष्टों संघर्षों से भरा पाएंगे, परंतु संकटों और विपत्तियों के आने पर भी वे रोते और गिड़गिड़ाते नहीं हैं। हमें भी महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। सुख दुख हानि लाभ मान अपमान आपत्ति और विपत्ति जो भी आए उनसे घबरा कर भागना नहीं चाहिए, अपने धैर्यपूर्वक उन सबको सहन करते हुए आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। इसमें नहीं संदेह, जीवन झंझटों से युक्त है। वह ही यहाँ जय पाए हैं जो धैर्य से संयुक्त है। अपने जीवन में सफलता प्राप्ति और नित्य आगे बढ़ने से ईश्वर को साक्षी करके प्रतिज्ञा करो, बस अब पाप बिल्कुल नहीं करूँगा, सच्चाई से कभी नहीं हटूँगा, और साथ ही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दो। जब आप धर्म पर आरूढ़ होकर पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे।